लद्दाख में सेना के नौजवान हुए शहीद। लद्दाख में शनिवार को सेना की एक गाड़ी 60 फीट की गहराई में गिर गई, जिसमें नौजवान शहीद हो गए हैं। सेना के काफिले में 5 गाड़ियां शामिल थी, जिसमें 34 जवान सवार थे। एक हादसे में एक जवान घायल भी है। लेह के एसएसपी पीडी नित्या ने बताया है कि वाहन के ड्राइवर ने गाड़ी पर कंट्रोल खो दिया, जिसमें ट्रक खाई में जा गिरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत राहुल गांधी, कई नेताओं ने हादसे पर दुख जताया है। काफिले में एम्बुलेंस समेत 5 गाड़ियां शामिल थी। एक एम्बुलेंस समेत 5 वाहनों का काफिला शनिवार शाम को लेह से लद्दाख के क्यारी के लिए निकला था। ये जवान क्यारी में बने सेना के डिविजनल हेडक्वार्टर जा रहे थे। लेह से क्यारी की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है। काफिला क्यारी पहुंचने ही वाला था कि 7 किलोमीटर पहले न्योमा के पास सेना का एक ट्रक सड़क से फिसल गया और 60 फीट की गहराई में जा गिरा। इस ट्रक में 10 जवान सवार थे, जिसमें एक जेसीओ भी थे। इसमें 9 जवान शहीद हो गए हैं, एक गंभीर रूप से घायल है। हमारे देश ने 9 जवानों को खो दिया है, इस बात का हमें बहुत दुख है।